सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाबा श्याम, श्याम बाबा कैसे बने, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बाबा श्याम, उस समय जो उनका नाम था बरबरीक था, और बरबरीक बहुत ही तेजस्वी थे। बचपन से ही उन्हें विद्याएं सीखने का शौक था। उन्होंने अनेक विद्याएं अपनी दादी से सीखी है, हिडंबा से। धनुर्विद्या सब हिडंबा ने सिखाई, अनेक विद्याएं सीखी अपनी मां से। उनकी माता का नाम है मौरवी, और मौरवी उसी से विवाह करना चाहती थी जो उसे युद्ध में हरा दे। और यह प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने भीम के सामने रखा, युधिष्ठिर के सामने रखा कि जो घटोत्कच का विवाह करने का समय आ गया है, और घटोत्कच को युद्ध करने के लिए मौरवी के पास भेज दिया गया। मौरवी ने बुद्धि की परीक्षा ली। बुद्धि की परीक्षा में घटोत्कच पास हुए, युद्ध किया, उस युद्ध में भी विजय हुए, मौरवी का विवाह हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही इस बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब इस बालक का जन्म हुआ था, उसके सारे शरीर पर बाल थे, सर पर बाल थे, बड़े बड़े घुंघरालू बाल थे, इसलिए इन्हें बरबरीक का नाम दिया गया। बचपन से ही तेजस्वी बालक था, और ब्यास जी महाराज उस समय उस कुटिया में आए जब जहां जन्म हुआ था बरबरीक का। उस बालक का पूरा चरित्र देखा, और देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये बालक आने वाले युगों में पूजा जाएगा, इसका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा, और वही हुआ। सूरसेन एक ब्राह्मण, सूरसेन ने उनको अनेक विद्याएं भी सिखाई। जल में खड़े होकर तपस्या की है बरबरीक ने, सात दिन सात रात खड़े होकर एक जल में तपस्या करते हैं, और इतनी कठोर तपस्या है कि उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु जल के अंदर जो कष्ट पहुंचाते हैं बरबरीक को, लेकिन जिस स्थान पर बरबरीक खड़ा है उस स्थान से टच से मस नहीं हुआ। कहते हैं जब व्यक्ति भक्ति की तरफ चल पड़ता है और निष्ठा से भक्ति करता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहां बरबरीक अपनी उस निष्ठा से, भाव से, सिर्फ एक लक्ष्य था कि मुझे इस संसार का योद्धा बनना है, सबसे बड़ा योद्धा बनना है, और बरबरीक वो बना। मां कामाख्या की पूजा सिद्ध किया, मां प्रसन्न हुई, अनेक शक्तियां माने दी, और ऐसी शक्ति दे दी, ऐसी शक्ति उन तीन बाणों में दे दी कि एक बाण से ही इस पूरी पृथ्वी का सफाया कर सकता था। सारी विद्याएं ग्रहण करके घर आए, और उस समय महाभारत का युद्ध होना था, और महाभारत के उस युद्ध में जाना चाहते थे, उस युद्ध को देखना चाहते थे बरबरीक। तो मां से कहने लगे, मां मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं, मैं क्या करूं उस युद्ध में जाकर, क्या आज्ञा है मेरे लिए।
तो मां ने कहा बेटा दो ही काम करने। वो दो काम कौन से? कि कोई कुछ तुझसे मांगे तो कभी मना मत करना, और कोई हारता हुआ नजर आए तो उसका सहारा बनना। क्योंकि मौरवी ये सोच रही थी कि पांडवों की जो संख्या है, सैनिक है, बहुत कम है, और जो कौरव हैं उनके पास तो पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अनेक योद्धा हैं, नारायणी सेना है, कहीं पांडव ना हार जाए। तो इसीलिए जो हारता नजर आए उसका सहारा बनना, हारे का सहारा बनना। पुत्र ये मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू मुझे वचन दे। तो वहां बरबरीक वचन दे देते हैं माँ को कि माँ जो हारता हुआ नजर आएगा मैं उसका सहारा बनूंगा। और उधर जब वो चल पड़े हैं रथ पे बैठ के, घोड़े पर बैठ के, इधर भगवान श्री कृष्ण को आभास हो जाता है कि आज बरबरीक चल पड़ा है अपने तीनों बाण लेकर। और भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि पांडवों की विजय होनी है, कौरवों की हार होनी है। अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों को एक बाण में ही समाप्त कर देगा, वो जानते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया और वही कुरुक्षेत्र की सीमा जहां उन्होंने शीश का दान मांगा था, वहां एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए ब्राह्मण का वेश लेकर। वहां पहुंचे बरबरीक ब्राह्मण को पेड़ के नीचे बैठा देखकर रुके और कुरुक्षेत्र युद्ध का वो रास्ता पूछने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्हें रास्ता बताया, और रास्ता बताकर जब चलने लगे तो बरबरीक के मन में आया कि क्यों ना इनसे पूछ लूं ब्राह्मण देवता से कि अगर मेरी किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, यात्री लगते हैं, किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो मैं इनकी सहायता कर सकूं। घोड़े को रोकते हैं, वापस जाते हैं और पूछते हैं कि हे विप्र, आपको कहाँ जाना है, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना तो कहीं नहीं है, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं उस युद्ध में? तो उन्होंने कहा कि मैं उस युद्ध में युद्ध को देखने जा रहा हूं, और जो कोई हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो कृष्ण कहने लगे आपकी जो तरकस है इसमें तीन ही बाण, तीन बाणों से आप क्या युद्ध करेंगे महाराज? ये कहकर हंसने लगे भगवान श्री कृष्ण। तो बरबरीक कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरे इन तीन बाणों पर मत जाओ, मेरा एक ही बाण काफी है पूरी सेना का विनाश करने के लिए, कौरव और पांडवों की सेना का विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं कि एक बाण से सारी सेना नष्ट हो जाएगी, मैं कैसे स्वीकार करूं, इसका प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण दिया, जिस पीपल के नीचे वो खड़े थे पेड़ के, अपना तीर निकाला और कहा कि इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं मैं सभी को एक तीर से भेद देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भेद कर दिखाओ। एक पत्ता अपने चरणों में नीचे दबा लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और बरबरीक ने एक बाण छोड़ा। जैसे ही बाण छोड़ा सभी पत्तों में छेद हो गए और वो जो बाण था भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चारों तरफ घूमने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। बाण जब चारों तरफ घूम रहा था तो बरबरीक ने कहा हे ब्राह्मण, ये पैर उठाइए, नहीं तो आपके पैर के छेद करता हुआ ये पत्ते में चला जाएगा, पैर हटाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटाया और उस आखिरी पत्ते में भी छेद कर दिया। जब वो तीर वापस तरकस में आया
तो विचार करने लगे बर्बरीक, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, जो कि मेरा तीर इसके चरणों के चारों तरफ घूमकर वापस छेद नहीं कर पाया, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई दीवार भी नहीं रोक सकती मेरे तीर को, तो ये साधारण से पैर ने रोक लिया, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, जरूर कोई देव है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि आप कौन है, आप अपने रूप में आइए। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, अपने रूप में आए, कृष्ण को देखकर चरणों में गिर पड़े बर्बरीक और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु आप ये क्या लीला है, आप इस विप्र रूप में क्यों। तो बर्बरीक को कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, यह बर्बरीक महाभारत का युद्ध शुरू होना है और एक योद्धा की बलि देनी है। अब वो योद्धा कौन होंगे, तीन ही योद्धा हैं इस पृथ्वी पर, वो तीन योद्धा कौन कौन, एक योद्धा अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में, और एक योद्धा तू है जो मेरे समक्ष खड़ा है, और तीसरा मैं, मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने दे। अब इन तीनों में से एक की बलि होगी तब ये युद्ध उस सीमा तक जाएगा। तो मुझे क्या आज्ञा है प्रभु ये बताइए, मैं अपने दादा अर्जुन की तो बलि नहीं देने दूंगा क्योंकि मैं उनका वंशज हूं, और रही बात आपकी, आप मेरे गुरु हैं, आपकी तो वैसे ही ये मैं सोच नहीं सकता, अब बचा मैं, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। आज्ञा बताई दी थी कि बलि देनी है, और भगवान कृष्ण के समक्ष अपना शीश काटकर अपनी तलवार से दान कर दिया बर्बरीक ने, अपना शीश दान कर दिया। और जब शीश दान किया तो शीश से एक आवाज आई कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा पूछी तो बताया कि प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता, मुझे युद्ध देखना है। तो अमृत से स्नान कराया गया उस शीश का, देवलोक से अमृत आया, स्नान कराया, और उस शीश को आपके इस हरियाणा के अंदर, बहुत से लोग तो कहते हैं कि हिमाचल में जो पर्वत है उन पर रखा गया था, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, हिमाचल में नहीं रखा गया था, आपके ही यहाँ ये जो कैथल के पास सिरदा गांव है, जिसके आप जहाँ सरद बनाई गई थी, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, उस सिरदा गांव को सरद बनाया गया था बीच में से, वहीं उस शीश को रखा गया था और वहां से वो युद्ध देखा गया था। और जहां शीश का दान दिया था वो है चुलकाना धाम पानीपत के पास, जहां उनका निचला हिस्सा आज भी मौजूद है, और ये शीश खाटू में है जहां आप लोग जाते हैं।